बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही कहीं ना कहीं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। इसका असर सबसे ज्यादा एक्टर्स की फैमिली पर हुआ है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के दोस्त और एक्टर गुरमीत चौधरी ने बताया कि अब उन्हें भी घर वालों और दोस्तों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। गुरमीत बताते हैं कि सबके सब अंदर से डर गए हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम कुछ गलत मत करना, हम तुम्हारी फिल्म देखेंगे। गुरमीत बताते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यहाँ मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। फिल्में फ्लॉप होती हैं तो निराशा और चिंता होती है, करियर खत्म होने का डर रहता है। ऐसे में फैमिली का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। गुरमीत इस सब का श्रेय अपनी पत्नी देवीना को देते हैं। वह कहते हैं कि देवीना मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है, चिंता और निराशा के वक्त वह मुझे राहत देती है। आजकल कितने भी बड़े एक्टर हो, कितने भी सक्षम हो, कितने भी मजबूत हो, उनके माँ बाप अपने बच्चों को कॉल करते हैं और बार बार जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो किसी तरह की अंदर कुछ लेकर बैठे तो नहीं है। क्या आपके माता पिता भी कॉल करते हैं, देवीना के मम्मी पापा कॉल करते हैं, और आपस में आप पति पत्नी की किस तरह की बातचीत होती है, वो आपको समझाती है, आप उनको समझाते हैं कि किसके मन में क्या है, क्या किस तरह की बातचीत और किस तरह का चल रहा है? देखिए, जो हमारी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी है और आप आराम से बैठ नहीं सकते हो अगर आपको काम करना है, और ऐसे भी आपका सपना अगर आपका बड़ा है तो आपको ऐसे भी आराम से आप बैठ नहीं सकते हो, तो कंपटीशन ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिल्में मिलती हैं नहीं मिलती हैं, ये हर किसी के साथ होता है। बड़े से बड़े स्टार के साथ हुआ है, छोटे से छोटे एक्टर के साथ ऐसा होता है। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शेर वाला दिमाग, शेर वाली चाल रखना बहुत जरूरी है। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि कभी कभी होता है कि फिल्में आपके फ्लॉप हो जाती है, आपके इतने सपने होते हैं। मेरी बहुत सारी फिल्में जो चली नहीं है, तो लेकिन मुझे जब मैंने साइन किया था तो मुझे मालूम था यार अच्छा बैनर है, अच्छा स्टूडियो है, तो ये फिल्म जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था यार ये चल पड़ेगी, लेकिन नहीं चलती। तो आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको ले पाए। जब फ्राइडे का रिजल्ट आता है, लगता है कि यार ये रिजल्ट इतना खतरनाक होता है, आपको यकीन माने कि 12th का या 10th का बोर्ड से भी खतरनाक होता है, क्योंकि आपके करियर, आपकी जिंदगी का सवाल होता है यहाँ पे जब फिल्में नहीं चलती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको स्ट्रांगली आगे बढ़ना होता है। जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैं, वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं किसी और टॉपिक में कभी कभी चला जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जी, मैं समझ गया। सुशांत ने गुरमीत यू नो इतना तोड़ा है इस केस ने हम सबको। आपके दोस्त थे, मैं मुश्किल से कई बार मिलाऊंगा, 10 बार 20 बार 25 बार इंटरव्यूज में, या आपके सेट पे हम लोग आते जाते रहते थे तो रोज, है ना। लेकिन इस सुशांत ने बहुत डिस्टर्ब किया है। आप भी जानते हैं कि आप किस तरीके से, कितने दिन आपके घर पे ठीक से शायद खाना नहीं बना होगा, आप लोग बेटाइम खाना खा रहे होंगे, या मन नहीं रहा होगा, या मेरे ख्याल से पिछली रात भी आपने कोई वीडियो देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का, और कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जब आप हाली में। सॉरी सज्जय जी, मैं इससे पहले भूल जाऊं, मैं सोचा दो टॉपिक है, एक तो फैमिली के बारे में वो मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, और दूसरा टॉपिक है कि देखिए, पहले मैं आपको फैमिली के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे जरूरी क्या है, एक एक्टर जैसे आपको मैंने पहले एक्चुअली मैंने बिल्डअप इसलिए दे रहा था कि यहाँ पे बहुत टफ है ये, तो आप अकेले यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेंटली जब आप घर पे आते हो तो आपको इतना प्रेशर होता है कि आपको वो प्रेशर निकलेगा कैसे। आपको कोई क्लोज दोस्त चाहिए, या कोई फैमिली चाहिए, या आपकी गर्लफ्रेंड चाहिए, या आपको आपकी वाइफ होनी चाहिए आपके घर पे। मुझे लगता है एज एन एक्टर, ये मैं बहुत बार इंटरव्यूज में मैंने बोला है, अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज भी देखोगे तो मैंने हमेशा बोला है कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैं बहुत ही छोटा था, और मैं और देवीना बहुत ही छोटे थे, मैं देवीना से मिल चुका था और देवीना मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी उस वक्त, और मुझे मेंटली इतना सपोर्ट मिलता था कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं देवीना से डिस्कस करता था, उनसे बात करता था, तो कभी कभी वो जब सपोर्ट करती थी तो मुझे मेंटली बड़ा आराम मिलता था। क्योंकि काफी दफा ऐसा हुआ कि मुझे शो से निकाल दिया, फिल्म से निकल गया, फिल्म होते होते नहीं हुई, कुछ पॉलिटिक्स हो गया, लेकिन क्या है कि वो हर किसी के साथ होता है, हर एक्टर के साथ होता है। तो आप जब अपनी फैमिली के साथ रहते हो, जब आप अपनी वाइफ के साथ रहते हो, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप जब शेयर करते हो बातें, या कोई ऐसा दोस्त आप बना लो जो आपको लगे कि आप उससे बातें शेयर कर सकते हो, तो आप काफी हद तक नॉर्मल हो जाओगे, काफी हद तक आप
कूल डाउन हो जाओगे। ये मेरा, मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, और मैं जितने भी एक्टर्स हैं और जो नए एक्टर आने वाले हैं या जो एक्टर सुन पा रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, और जो मेरे एक्टर जो मेरे दोस्त हैं वो सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहता था कि यार आपकी एक सीरियस गर्ल, यू नो सीरियस गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यू नो, या आपकी फैमिली के साथ रहो ताकि आप अपने दिल की बात उसको बता पाओ। ये रीजन है अगर आप मेंटली ठीक रहना चाहते हो। मैं कह रहा था कि मम्मी पापा का फोन आता था आपको कि कैसे हैं ये जानने के लिए इस बीच? बिल्कुल बिल्कुल मॉम, बिल्कुल इस बीच तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा तो डेफिनेटली बहुत डर जाते हैं ये सारी चीजें सुन के, क्योंकि उनको पता है कि ये टफ होता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों का कॉल इस बीच तो मुझे लगता है कि मुझे इतने सारे मैसेज आए और इतने सारे सपोर्ट है कि गुरमीत हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपकी फिल्म हम सपोर्ट करेंगे, तो ये सुनने को आ रहा है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस होता है कि यार हमें एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए और जो नए एक्टर हैं उनकी फिल्में देखनी चाहिए, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी हो रहा है जो अभी लोगों के बीच अवेयरनेस है, एक दूसरे को कॉल करना, भाई आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, मुझे लगता है ये अक्सर होना चाहिए। और मॉम डैड का तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम हो या ना हो उनका कॉल आता ही रहता है, वो बहुत ही बड़ा रिलीफ होता है।